नागपुर में आगामी 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई थी, लेकिन अलर्ट की हवा सोमवार को ही निकल गई। अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, महज 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया था कि पारा 45 व उससे ऊपर जा सकता है। 12 मई तक यही स्थिति बताई गई थी। सोमवार को मौसम विभाग की तरफ से जारी अभिलेख में साफ कर दिया गया है कि नागपुर के आसमान में बादल छाए रहेंगे और पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। मौसम जानकारों की माने तो बंगाल की खाड़ी में तैयार हुए साइक्लोनिक स्ट्रोम असानी की वजह से ही मध्य भारत में अलर्ट फेल हो गया। बंगाल की खाड़ी में होने वाली हलचल का सीधा असर विदर्भ व आसपास के हिस्सों पर पड़ता है। नागपुर में हल्के बादलों का डेरा बना हुआ है। 45.8 डिग्री के साथ अकोला सबसे गर्म रहा। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।